ऑलराइट दोस्तों, नथिंग फोन 2A आ गया है जिसकी प्राइस 23,999, 25,999 और 27,999 तीन अलग अलग वेरिएंट्स की है। ये अनबॉक्सिंग करने से पहले चार चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा जो मुझे खुशी दे रही है नथिंग फोन 2A के लॉन्च की वजह से। यस, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट। ये जो अनबॉक्सिंग है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मेरे फर्स्ट इंप्रेशन जरूर सुनिएगा। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये है कि नथिंग ने कोर्स करेक्शन किया हुआ है। जी हाँ, नथिंग फोन 2 जब लॉन्च हुआ था ओवर प्राइस था, ज्यादा लोगों ने लिया नहीं, सेल्स वगैरह ज्यादा हुए नहीं, एटलीस्ट दैट्स व्हाट मुझे लग रहा है। और उसकी वजह से फोन 2A में बहुत सारी चीजें उन्होंने करेक्ट की है। सेकंड चीज ये मैं कहूंगा एक तरह से इंडिया फर्स्ट फोन है, मतलब उन्होंने रणवीर सिंह को एज एम्बेसडर ऑनबोर्ड कर लिया, दैट्स अ बिग थिंग। ट्विटर पे काल भाई हो गए हैं। जी हाँ, दैट जस्ट शोज दैट दे आर फोकसिंग ऑन इंडिया। एंड ये जो मार्च 5 का लॉन्च होने वाला है वो भी इंडिया, ये ग्लोबल लॉन्च, but it is going to happen in India. तीसरी चीज दोस्तों, Nothing Phone 1, Nothing Phone 2 में Snapdragon के processors थे। इसमें Dimensity 7200 Pro processor है। और एक बात कहूँ, partner होने के बावजूद उन्होंने 7200 Pro ये processor चुना। I think there is a reason, क्योंकि mid range में अगर आप Qualcomm के या Snapdragon के processors देखोगे, they are underpowered. So they went with the right chipset. और दोस्तों सबसे important जो है चौथी बात, 2024 में हमने सिर्फ hardware की तरफ नहीं देखना चाहिए। I think जो overall hardware सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस होता है जब आप फोन इस्तेमाल करते हो, हार्डवेयर के साथ में सॉफ्टवेयर जो आपको एक फीडबैक देता है, जो एंगेज करता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स व्हाई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंबाइंड एक्सपीरियंस कैसा है उसकी तरफ नथिंग फोन 2A ने ध्यान दिया हुआ है, वो भी इस प्राइस रेंज में। दैट मेक्स मी वेरी वेरी हैप्पी। एक्साइटिंग स्टार्ट, लेट्स ओपन। वैसे दोस्तों बॉक्स जो है एक बार ओपन करने के बाद खुलता नहीं है और हमें टेस्ट करना था ये फोन बिफोर वी बॉट द अनबॉक्सिंग, इसलिए पहले अनबॉक्सिंग हमने कर ली। एंड बॉक्स छोटा है, बॉक्स के अंदर दोस्तों ज्यादा कुछ चीजें नहीं होती है। देयर इज अ फोन ऑब्वियसली, देन यू हैव डॉक्यूमेंटेशन एंड USB Type-C टू Type-C केबल, दैट्स अबाउट इट, और कुछ नहीं है। वैसे Type-C टू Type-C है, Type-A टू Type-C नहीं है। सिम कार्ड टूल भी आता है बॉक्स के अंदर, भूल गया आपको बताना, दैट इज ऑल्सो देयर, स्मॉल बॉक्स। एंड देन यू हैव वेलकम टू नथिंग। एक बात कहूं, मुझे लगता है ये फोन जो होने वाला है बहुत पॉपुलर होने वाला है, स्पेशली क्योंकि जो वैल्यू प्रोपोजिशन वो देता है इज फैंटास्टिक। जैसे ही फोन हाथ में लेते हो दोस्तों, यू फील यू हैव टेकन अ प्रीमियम फोन इन हैंड। एंड जो एक नथिंग फोन 1 एंड नथिंग फोन 2 की लीगेसी जो है, ट्रांसपेरेंट बैक, ग्लिफ लाइटिंग, नथिंग फोन 2A कैरीज इट फॉरवर्ड ब्यूटिफुली। एनीवेज, लुक एट दिस फोन। अगर एक चीज आपको दिखती है दोस्तों तो वो है उसका जो कैमरा मॉड्यूल। हमने ऐसा कैमरा मॉड्यूल नहीं देखा हुआ है, यू नो इट इज नॉट एकदम ऊपर, नॉट ऑन द लेफ्ट जो हम यूज टू है, इज राइट इन द मिडिल, और वो भी छोटा सा है। डुअल कैमरा सेटअप है, 50+50 है। एक बात बता दू, ग्लिफ लाइटिंग जो है पहले नीचे की तरफ थी, पूरी बैक में थी, नाउ यू ओनली हैव इट अराउंड द कैमरा। जो कैमरा है उसके साइड में तीन ग्लिफ लाइट्स आपको मिलते हैं। अब एक चेंज जो आया हुआ है वो है प्लास्टिक बैक। Yes, पहले ग्लास बैक हुआ करता था, नाउ दे हैव प्लास्टिक बैक। और एक बात कहूं, बहुत ज्यादा फिंगरप्रिंट मैग्नेट है दोस्तों, मतलब लुक एट दिस, मैंने अभी खोला हुआ है एंड जस्ट सी दिस। वैसे पीछे प्लास्टिक है, आगे की तरफ गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन है। इन हैंड फील मैं कहूंगा ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा छोटा नहीं है, स्लाइटली ऑन द बिगर साइड में कहूंगा, बड़ा फोन जरूर है। ऐसे बताने वाला हूं दोस्तों सब कुछ इस फोन के बारे में, लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज काइंड ऑफ अ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक फोन, ध्यान से देखिए बट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वेट के बारे में बात करूं, अगेन प्लास्टिक होने की वजह से इतना नथिंग फोन 2 के जितना हैवी नहीं है, बट इट स्टिल विल बी अबाउट 195 to 200 grams। लेट्स सी, ओ 188.4, सो या 190 ग्राम्स के नीचे है। वैसे दोस्तों मैं स्क्रीन पे दोनों भी आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ तब व्हाइट नहीं आया, ये आने वाला है अगले एक दो दिनों में। सो आई एम गोइंग टू शो इट टू यू। आपको कौन सा अच्छा लगा, व्हाइट या ब्लैक, डू टेल मी। ये ब्लैक जो है ज्यादा सबड्यूड है, पीछे अंदर का जो ट्रांसपेरेंट डिजाइन दिख रहा है वो अंदर का डिजाइन ज्यादा दिखता नहीं है। व्हाइट पे ज्यादा वो प्रोनाउंस्ड होगा, ज्यादा दिखेगा और ज्यादा अच्छा भी दिखेगा, ज्यादा नर्डी और ज्यादा गीकी दिखने वाला है वो डिजाइन। सो इफ इट ऑल यू आर लुकिंग एट इट, लुक एट द व्हाइट वन। चलिए अब गिराते, 1, 2 एंड वो बिग नॉइस, बट गोरिल्ला ग्लास 5 का है, प्रोटेक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे जब बॉक्स के अंदर आता है तो स्क्रैच गार्ड होता है, एंड आई टेल यू व्हाट, आप इसके लिए अगर कवर लोगे, केस लोगे, तो ट्रांसपेरेंट केस ही लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं, नीचे सिम कार्ड ट्रे है, माइक्रोफोन है, USB टाइप सी है, देन यू हैव स्पीकर ग्रिल लेफ्ट हैंड, ओ ऑलराइट, वॉल्यूम रॉकर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में, अप एंड डाउन दो अलग अलग बटन है, एंड राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, साइड माउंटेड नहीं है। ऊपर की तरफ नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है, और सिम कार्ड ट्रे जो है, जैसे मैंने बताया दोस्तों, ड्यूअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट आता है,
इसका बेस वेरिएंट 128 GB का है, 8 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज, सो या दैट्स फाइन। चलिए दोस्तों टाइम टू स्टार्ट द फोन, बाहर से तो देख लिया है। दोस्तों अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं, 6.7 इंच का 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड डिस्प्ले आता है, फुल HD 1.5K वगैरह नहीं, फुल HD डिस्प्ले है। 1300 nits पीक ब्राइटनेस आता है, HBM मोड जो है आउटडोर्स आप जब इस्तेमाल करते हो तो 1100 nits ब्राइटनेस है, 2160Hz PWM डिमिंग भी है, सो दैट इज ऑल देयर। एंड अडैप्टिव रिफ्रेश रेट है, सो 30Hz 60Hz 120Hz यू नो डिपेंडिंग ऑन दैट। उसके 30Hz के नीचे 1Hz से नहीं जाता है, टोटली LTPO वगैरह नहीं है, बट दैट इज देयर। ऑलराइट, स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये आता है MediaTek Dimensity 7200 Pro इस प्रोसेसर के ऊपर, एंड ये 4nm प्रोसेसर है, बहुत ही पावर एफिशिएंट है। अगर मैं अंतुतु स्कोर के बारे में बात करूं तो 6 लाख 97 लाख तक स्कोर देता है, इसका मतलब 778 जो है Qualcomm Snapdragon उससे स्लाइटली ऊपर कहूंगा, स्लाइटली पावरफुल कहूंगा मैं। इसमें तीन वेरियंट आते हैं, 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज, देन 8 256 एंड देन 12 256 भी है। बट बैटरी कैपेसिटी 5000 mAh बैटरी एंड 45W फास्ट चार्जिंग है। अब ये जो है दोस्तों रियली पावर एफिशिएंट, मतलब हमने जो भी पिछले 3 दिनों से इस्तेमाल किया हुआ है, एंड अगर मैं आपको स्क्रीन टाइम दिखाऊं तो कुछ 6-6.5 घंटा ऑलरेडी मिला है, मतलब टोटल SOT कुछ 8-8.5 घंटा मिलेगा, विच इज एक्सलेंट, अगेन वन ऑफ द बेस्ट इन दिस प्राइस रेंज। परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो हमने जेंशिंग इंपैक्ट खेला दोस्तों इसके ऊपर, कुछ आधे घंटे तक खेल रहे थे, कंटिन्यूसली 40 FPS तक हमें मिला। बाकी BGMI 60 FPS पे खेल पाओगे, HDR खेल रहे हो तो 40 FPS पे खेल पाओगे, और अगर COD मोबाइल खेलना है 90 FPS पे खेल पाओगे। मल्टीटास्किंग वगैरह करना है, मल्टीपल एप्स वगैरह ओपन करना है, इट्स क्लीन दोस्तों। ये जो UI का एक्सपीरियंस है प्रोबेबली दी बेस्ट इन दिस प्राइस रेंज। इनफैक्ट OS के बारे में बात करूं, नथिंग OS 2.5 आता है विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14, एंड 3 साल के मेजर अपडेट्स प्रॉमिस किए हुए हैं, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं। सैमसंग छोड़ के मुझे लगता है नथिंग ये है कि जो 3 साल के अपडेट्स दे रहा है 25,000 के नीचे फोन के लिए, तो आपको 15, 16 एंड 17 ये अपडेट्स मिलेंगे। एंड OS इज क्लीन, मतलब क्लीनेस्ट वी हैव सीन, नो ब्लोटवेयर्स वगैरह। बट द बेस्ट पार्ट इज जो इम्प्लीमेंटेशन है नथिंग OS का, जो आप लॉक स्क्रीन के ऊपर विजेट्स वगैरह रख पाओगे, जो लुक वगैरह देता है वो, कि अभी मुझे साइलेंट करना था फोन इधर से ही, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर विजेट लॉक स्क्रीन से मैं ही कर सकता हूं, मुझे ओपन करने की जरूरत नहीं है, सो देयर इज नो नीड फॉर अ अलर्ट्स राइडर एज वेल, उधर से ही कर सकते हैं। एंड अलग अलग साइज में स्टैक्ड विजेट्स वगैरह डाल सकते हैं, तो कस्टमाइजेशन बहुत सारे आप कर पाओगे लॉक स्क्रीन के ऊपर, एंड दे आर वेरी यूजफुल एंड वेरी वेल इंप्लीमेंटेड। अंदर बात करते हैं ग्लिफ लाइटिंग के बारे में, जी जो नथिंग फोन 1 में या 2 में आप कर पाते थे कस्टमाइजेबल ग्लिफ रिंगटोन्स, वो सब आप इसमें भी कर पाओगे। 10 वैसे प्री इंस्टॉल आते हैं, जो लाइट जब भी कॉल आएगा तो ये जो 3 है वो लाइट अप होते हैं, वो सब चीजें भी हैं इसके अंदर। स्विगी और जोमेटो वगैरह ये सब चीजें तो दिखती है, चार्जिंग के समय कितना चार्ज हुआ है वो भी आपको दिखता है, बट अब गूगल कैलेंडर का भी सपोर्ट आ गया। और हाँ, वो जो ग्लिफ लाइट है एज अ यू नो आप फोटो वगैरह निकाल रहे हो डार्क कंडीशन है, एज अ फिल लाइट भी आप इस्तेमाल कर पाओगे। दोस्तों मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं तो डिस्प्ले अच्छा है, वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा है, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, सो दे आर ऑल्सो क्वाइट लाउड एंड क्वालिटी भी अच्छी है, तो मल्टीमीडिया के लिए फोन अच्छा है। अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं, मैं जब डिस्प्ले के बारे में बात कर रहा था भूल गया, आप अगर देखोगे तो इसके जो बेजल्स हैं यूनी साइज है, मतलब ऊपर का बेजल नीचे का चिन वगैरह भी आप देखोगे दे आर इक्वल साइज, सो बहुत ही इमर्सिव डिस्प्ले लगता है, अच्छा डिस्प्ले, मॉडर्न डिस्प्ले दिखता है, सो दैट इज ऑल्सो एक्सीलेंट। एक्चुअली अगेन परफॉर्मेंस के बारे में एक बात करनी है दोस्तों, इसके रीड राइट स्पीड इतने अच्छे नहीं है क्योंकि LPDDR4X रैम टाइप है एंड UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है। डेफिनेटली मैं कहूंगा अगर UFS 3.0 3.1 वगैरह होता इट वुड हैव बीन मच बेटर एंड दैट शुड हैव बीन देयर, वो नहीं है। वैसे अगर बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं दोस्तों, OS के अंदर 8GB वर्चुअल रैम भी आपको मिलती है, बट विद UFS 2.2 स्टोरेज टाइप वर्चुअल रैम का इतना कुछ फायदा है नहीं। कनेक्टिविटी में दोस्तों 13 5G बैंड्स है, डुअल 4G वोल्टी वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, VoNR है इसके अंदर, सो दैट इज देयर, वाईफाई 6 का सपोर्ट है एंड ब्लूटूथ 5.3 है, NFC भी आता है, इनफैक्ट ये जो है ना कॉइल अराउंड द कैमरास दैट्स NFC। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट कैमरा। अगर एक लाइन में कहूं तो यू नो समटाइम्स I'm impressed and sometimes लगता है ऐसे क्यों फोटो निकालता है, बेसिकली इनकंसिस्टेंट कैमरा है, बट अगर आप पेशेंट हो देन यू कैन क्लिक सम रियली गुड फोटोग्राफ्स। लेकिन मुझे क्या लगता है, मेरे फर्स्ट इंप्रेशन क्या है वो सुनिए। स्पेसिफिकेशंस में 50+50 MP का रेयर कैमरा है, 50 MP प्राइमरी एंड अल्ट्रा वाइड 50 MP का है, और आगे आपको सेल्फी सेंसर 32 MP का मिलता है। नाउ प्राइमरी सेंसर नॉर्मल कंडीशन में कलर्स वगैरह बहुत अच्छे आते हैं, डायनामिक रेंज भी है,
लेकिन कभी कभी इट इज हिट एंड मिस। लो लाइट परफॉर्मेंस भी डिसेंट है, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि बहुत ही अच्छा है, बट लो लाइट में भी अच्छे फोटोज वगैरह निकालता है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट इज क्वाइट गुड। इवन वीडियोग्राफी में 4K 30fps आप प्राइमरी सेंसर एंड अल्ट्रा वाइड से निकाल पाओगे, सो दैट इज ऑल्सो गुड। और OIS का भी सपोर्ट आता है प्राइमरी सेंसर में। अगर मैं सेल्फी के बारे में बात करूं तो 1080p एट 60fps आप निकाल पाओगे। व्हाट रियली इंप्रेस्ड मी वाज द सेल्फी कैमरा, ये 32 मेगापिक्सल का है। आप स्किन टोन्स वगैरह देखोगे, फॉर मी दैट रियली केम आउट क्वाइट गुड। वैसे आपको मेरा फोटो निकाल के दिखाता हूं दोस्तों, लेट मी शो यू। ऑलराइट, डिफॉल्ट प्रोसेसिंग अगर आप देखोगे, इट डज टेक सम टाइम फॉर प्रोसेसिंग, मतलब प्रोसेसिंग कर रहा है वंस यू क्लिक द पिक्चर्स, बट लुक एट द डिटेल्स। हेयर वगैरह के पास देखते हो, लुक एट दिस, ये जो डिटेल्स है दे रियली कम आउट नाइस। इवन स्किन टोन्स वगैरह जो है दे आर एक्सलेंट। सो सेल्फी कैमराज आर रियली गुड। और वीडियो क्वालिटी के बारे में बात करूं, मैं कहूंगा ठीक ठाक है, इट्स नॉट वन ऑफ द बेस्ट। अगेन 23-24 हजार का फोन है, उस हिसाब से मैं कहूंगा अच्छे। वैसे कैमरा फीचर्स के बारे में बात करूं तो जो बेसिक फीचर्स आपको चाहिए, स्लो मोशन, फोटो, वीडियो, पोर्ट्रेट मोड, ये सब चीजें हैं, टाइम लैप्स है, पैनोरमा मोड है, एक्सपर्ट मोड है। चलिए और क्या है इस फोन में, FM रेडियो नहीं है दोस्तों, IR ब्लास्टर नहीं है, IP54 का सर्टिफिकेशन आता है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, सार वैल्यूज आर विद इन लिमिट्स, तो वो सब चीजें हैं। व्हाट डू आई थिंक अबाउट नथिंग फोन 2A? आई एम हैप्पी, सीरियसली कह रहा हूं, जितना मैं अनहैप्पी था नथिंग फोन 2 की वजह से, बिकॉज ओवर प्राइस। अगर वो अच्छे प्राइस पे आता, 10-15 हजार कम प्राइस में आता, तो मैं कहता था कि दैट वॉज गुड वैल्यू फॉर मनी फोन। बट नथिंग फोन 2A के बारे में मैं एक चीज कहूंगा, इट इज वैल्यू फॉर मनी। बहुत लोगों को ये पसंद आने वाला है फोन, स्पेशली लुक वाइज अगर मैं बात करूं, जो OS है दैट इज डेफिनेटली द हाईलाइट। जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है नथिंग OS का, दैट इज सीरियसली अनमैच्ड इन दिस पर्टिकुलर प्राइस रेंज। इनफैक्ट 25,000 के नीचे क्यों, 30,000 के नीचे भी मैं कहूंगा कि जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता है इज वन ऑफ द बेस्ट। परफॉर्मेंस के भी बारे में बात करूं, बैटरी लाइफ के बारे में बात करूं, एवरीथिंग लुक्स रियली गुड विद दिस फोन। अगर मैं नितपिक करूं, नेगेटिव्स के बारे में बात करूं, तो जैसे मैंने पहले भी बताया, 10,000 के नीचे UFS 2.2 स्टोरेज मिलता है, इसमें UFS 3.1 तो कम से कम होना चाहिए था, सो दैट इज अ बिग मिस। और हाँ, नथिंग फोन 2 एंड 1 में बिल्ड क्वालिटी जो है वो ज्यादा अच्छी थी, जैसे फ्रेम जो थी वो मेटल थी, इसमें प्लास्टिक है, पीछे भी प्लास्टिक है ग्लास की जगह पे, बट दोज आर द कॉम्प्रोमाइजेस, और उसकी वजह से इसकी प्राइस जो है आपको 23,999 में मिल रहा है। सो आई एम ओके विद दैट। ओनली ग्लेयरिंग थिंग UFS 2.2, that's about it. I think other than that, I am extremely happy with this phone. And मैं recommend करूंगा, अगर आपको एक geeky चाहिए, you know, software बहुत important है आपके लिए, performance भी important है, display important है, I think you should definitely look at this phone, Nothing Phone 2A. वैसे कैसे लगा दोस्तों ये video? अगर अच्छा लगा, like करना मत भूलिए, अभी भी subscribe नहीं है, तो कीजिएगा जरूर, do it right now. चलिए दोस्तों, इस video में इतना ही, अगले video तक keep tracking and stay safe.